भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का 28वां मैच। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उम्मीद थी कि पाकिस्तान के हाथों हारी भारतीय टीम मैदान पर उतरते ही न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा देगी, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही। पिछली बार की तरह इंडिया की हालत उससे ज्यादा बदतर दिखाई दी। एक बार विकेट गिरने शुरू हुए तो अंत तक विकेट गिरते ही चले गए और भारतीय टीम 20 ओवर में महज 110 रन बना पाई। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि वो अच्छा खेल दिखाएंगे, इस बार गेंदबाजी से पलटवार करेंगे, लेकिन ना गेंदबाजी चली और ना फील्डिंग। कहीं मौके गंवाए जाते रहे तो कहीं खराब गेंदे चौके छक्कों के रूप में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मौका लेते रहे और आखिर में न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। न्यूजीलैंड की ओर से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। मार्टिन गुप्टिल ने ताबड़तोड़ 20 रन बनाए, वहीं ड्रेल मिचेल ने तो तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की बरसात कर दी और मैच निकालकर अपनी झोली में डाल लिया। वरुण चक्रवर्ती से लेकर शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और शमी, किसी का जादू नहीं चला। अगर कुछ चला तो न्यूजीलैंड के चौके छक्के, और भारतीय टीम इस मुकाबले को बेहद आसानी से हार गई। इस मुकाबले के हारते ही आप ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप से मानो बाहर हो गई। अब आगे अगर कुछ भी होगा तो दूसरी टीमों की जीत पर और हार पर। इससे पहले भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाए, जिसमें केएल राहुल ने 18, ईशान किशन ने 4, रोहित शर्मा 14, विराट कोहली 9, ऋषभ पंत 12। आखिर में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने कुछ अच्छा जरूर करा, लेकिन 23 और 26 से ज्यादा नहीं बना पाए और भारतीय टीम सिर्फ 110 से ज्यादा नहीं। और इस तरीके से टीम इंडिया की हार बेहद करारी हुई। एक साथ दो हार ने फैंस का दिल तो जरूर तोड़ दिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए एडवांस स्पोर्ट्स के साथ।